यमुनानगर के कस्बा सांढोरा के गांव रसूलपुर में 31 साल की महिला का खून से सना हुआ शव मिलने से आसपास में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही सांढोरा थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच अपराध शाखा दो, सीन ऑफ क्राइम और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा और डीएसपी जितेंद्र मौके पर पहुंचे। डीएसपी जितेंद्र ने बताया कि डायल 112 पुलिस टीम ने सांढोरा थाने को एक महिला के खून से लथपथ शव की मिलने की सूचना मिली थी, जिसके चलते यहां पर भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस अधीक्षक एसपी मोहित हांडा को हत्या की सूचना मिलते ही खुद मौके पर वो पहुंचे और आसपास के एरिया की अच्छी तरह से छानबीन की गई। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला के शरीर पर चोटों के गंभीर निशान मिले हैं। फिलहाल हत्या मानकर मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी महिला के बारे में कोई पुख्ता जानकारी पुलिस के पास नहीं है। सूचना मिली थी एक दवाइयों की दुकान के पास कोई रेड फूड की बड़ी लेडीज तो इस मौके पर 112 ने कंट्रोल को बताया, कंट्रोल ने हमने बताया तो उस मौके पर हम एस एच ओ साहब मैं CIA स्टाफ जो है सारा आ गया है। अभी आगे जांच जारी है, जो भी है सीन ऑफ क्राइम टीम हमने बुला ली है मौके पर, तो देखते हैं कहाँ की अभी शिनाख्त नहीं हुई, शिनाख्त करवा के पर्चा दर्ज करके क्या पोस्टमार्टम नजर आ रहा है कोई चीज़ वैसे नहीं। अभी कुछ नहीं, देखो रात को ही डाली लगती है, चोट चोट के निशान बिसर निशान है, जैसे बिसर लगी हुई है। महिला की पहचान भी नहीं हुई? नहीं, मैं अभी पहचान नहीं हुई महिला, कोशिश कर रहे हैं हम परेशान हो जाए। कुछ नहीं, पैसा करने के लिए गए थे पीछे, वो देखा वहाँ एक छोटी पड़ी तो मैंने अंकल को इन्फॉर्म किया। कितने बजे गए थे उधर वहाँ पे? 2 बजे। तो किसको सूचना की आपने? अंकल को दी थी, इनके पास में दुकान है राजपाल को। किसी की दुकान है जिसमें काम करा? मैं टूर एंड ट्रेवल में करूँगी। गए वहाँ पर? हाँ जी, अंकल को पड़ी है बिल्कुल। फिर आपके दुकान मालिक ने बताया? हाँ जी, अंकल ने बताया। फिर पुलिस को सूचना? हाँ जी, हाँ जी।